हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कनाडा मूव करने के बाद भी और कनाडा मूव करने से पहले भी, और वो है कल्चरल असिमिलेशन, यानी कि हम किस तरह अपने आप को कनाडा के कैनेडियन कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करें। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो राइट टिल दी एंड, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी कुछ अपनी आप बीती स्टोरीज भी शेयर करेंगे और कुछ हम शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड स्टोरीज जो उनके साथ वाकयात पेश आए हैं या जो उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं अच्छी इन ऑर्डर टू जेल इन दी कैनेडियन सोसाइटी। तो बेरोज, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ये पहले सेट करता चलूँ या एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो असिमिलेशन है उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट इसलिए लाजमी है क्योंकि ये बात मैंने यहाँ के रियलाइज़ की थी कि इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स इन ऑफिस। जिस तरह से मेरी आराम से दोस्ती हो जाती थी पाकिस्तान में, इवन दुबई में लोगों से इन वर्क प्लेस, यहाँ स्ट्रगल होती थोड़ी सी। और मैंने इस पर काफ़ी सोचा कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या ये लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ या मेरा कलर डिफरेंट है। और मैंने रियलाइज़ किया ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज ये है कि मैं इनके स्कूलों में या इनके कॉलेजेस में इनके साथ पला बढ़ा नहीं हूँ। तो जब ये बात करते हैं अमेरिकन फुटबॉल की, आइस हॉकी की, आई हैव नो क्लू, मुझे तो क्रिकेट का पता है। तो अगर कोई क्रिकेट की बात कर रहा होता है तो बड़ा आसान है, पाकिस्तान में क्रिकेट की बात तो हर कोई क्रिकेट की बात करता है, मिडल ईस्ट में हर कोई क्रिकेट की बात करता है, बहुत आसान है। बट इनके साथ मैंने क्योंकि स्पोर्ट्स कभी खेले नहीं, मैं उनके साथ कॉलेजेस में कभी पढ़ा नहीं, तो हमारा कॉमन ग्राउंड बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसी तरह म्यूज़िक, मेरा म्यूज़िक टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा म्यूज़िक टेस्ट बिल्कुल साउथ एशियन है, आई एम बिग बॉलीवुड फैन, मुझसे कोई बॉलीवुड की बात करा ले, कोई सूफी म्यूज़िक की बात करा ले, आई कैन टॉक एट लेंथ। बट वेस्टर्न म्यूज़िक जो है वो खैर हम लोग वहाँ बैठ के भी सुनते हैं, बट मैं ज़्यादा जो हूँ वो वेस्टर्न म्यूज़िक का शौकीन नहीं हूँ, मुझे साउथ एशियन म्यूज़िक पसंद है। हैंस इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी अनदर थिंग कि जिस ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से आप रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप लंच की टेबल पर बैठे होते हैं यू फाइंड कि यार मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, ये मुझसे या ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे या मुझसे जो है वो कोलैबोरेट क्यों नहीं कर रहे, इंगेज क्यों नहीं कर रहे। और उसकी वजह ये क्योंकि आप उनके कल्चर का हिस्सा रहे नहीं। अच्छा, ये बात मुझे एक और वजह से भी आइडेंटिफाई हुई कि जब हमारे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो वो वही लैंग्वेज बोलते हैं, वो वही स्पोर्ट्स की बात करते हैं। मेरे बच्चे एग्जैक्टली जो है वो अमेरिकन फुटबॉल की बात करते हैं, आइस हॉकी की बात करते हैं, उनका म्यूज़िक टेस्ट बिल्कुल वही है, एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इनके साथ पले बड़े होते हैं, इनके साथ कॉलेज स्कूल गए होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ ओके फॉर यू टू फील दिस वे, मैंने भी ये फील किया है और हम सब ये फील करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्राई ना करें। और ये वीडियो एग्जैक्टली इसीलिए बन रही है जिसमें बतूल और मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे किस तरह से आप अपनी एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं फॉर यू टू असिमिलेट बेटर। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको शायद मालूम होंगी या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप से हम नहीं शेयर कर पाएंगे इस वीडियो में, बिकॉज़ अगेन हर एक का एक्सपीरियंस भी अलग होता है और हर इंसान जो है वो अपने तरीके से भी जो है उसकी कम्युनिकेशन और डीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ जो है वो हम सिर्फ बहुत बेयर मिनिमम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि आप बासानी कर सकते हैं और इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगती और इससे आप बहुत आराम से जो है वो कल्चरल आपको एक तो अवेयरनेस हो जाएगी कनाडा में और दूसरा ये कि यू विल फिट इन। तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं और बेरोज जब कनाडा मूव हुए तो उस वक्त तो हमारे लिए कल्चरल शॉक था बिकॉज हम दुबई से मूव हो रहे थे और हमें थोड़ा बहुत आइडिया था बिकॉज हमने लैंडिंग की हुई थी पहले से, 2 साल पहले हमने आके लैंडिंग की थी तो हमें कुछ आइडिया था। लेकिन ऑब्वियसली उन 2 हफ्तों में हमें पूरा तो कनाडा के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन एक चीज़ हमने नोट कर ली थी कि यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं और वो चीज़ हमें बहुत पसंद आई थी और हमने वो चीज़ मिडल ईस्ट में मिस की और दुबई में ऑब्वियसली उस तरह का कल्चर नहीं है। जब हम यहाँ आए तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो हमने फ़ौरन अडॉप्ट की कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, एक दूसरे को जो है वो इवन अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर जो आपके साथ कैशियर है आप उसके साथ हल्की फुल्की गपशप लगा लेते हैं या वो आपसे वेदर के बारे में पूछ लेते हैं, आप उनसे उनका हाल अहवाल कर लेते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसी तरह आप कहीं भी जाएँ आप स्ट्रेंजर्स के साथ लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं इवन दो दे डोंट नो देम, और हाय हेलो राह चलते लोगों के साथ भी एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लोग जैसे कि हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि आप कोई दरवाज़ा आपके लिए खोल के खड़ा हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी इसी तरह करें। स्टॉप ऑल वे जो कि यहाँ पे एक साइन होता है, स्टॉप साइन जिस पे कि गाड़ी रोकनी होती है ऑन द रोड, वहाँ पे लोग एक दूसरे को
रास्ता देते हैं, यानी कि इवन दो यू हैव स्टॉप योर कार फर्स्ट, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स आउट ऑफ पोलाइटनेस पीपल लेट द अदर कार्स गो. तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं. तो खैर कनाडा जब हम मूव हुए तो उस वक्त तो हमें हमारे लिए कल्चरल शॉक था, लेकिन जब हम कनाडा से यहाँ यूएस मूव हुए तो हमने ये देखा कि हमारा इंप्रेशन यूएस का तो बिल्कुल ही डिफरेंट था. तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन हम लोग आए उसके दूसरे दिन सुबह को नेबर्स में से एक एल्डरली कपल है वो आए, उन्होंने हमारी बेल बजाई और उन्होंने हमें एक बॉक्स ऑफ कुकीज़ दिया और उन्होंने हमसे बड़ी अच्छे से गपशप लगाई और कहा कि अच्छा आप लोग नए हैं, कहाँ से आए हैं और हम नेबर्स हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो डू लेट अस नो एंड ऑल दैट. तो वो हमें बड़ा एक अजीब सी चीज़ लगी. ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो हम इस चीज़ के बहुत आदि हैं, हम लोग जो हैं वो घर में इफ्तारियाँ बना बना के हम लोग अपने जो है वो नेबर्स को भी देते हैं और हमें हम आदत होती है कि कुछ भी घर में नई चीज़ बनी हो तो वो हम अपने नेबर्स में पड़ोसियों में बांटते हैं. लेकिन यहाँ हम थोड़ा इसलिए डरते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे आस पास लोग कौन से हैं, किस कल्चर के हैं और क्या ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो इस चीज़ से मुझे और बैरोस को एक बड़ा अच्छा आइडिया आया और मैंने कहा कि बैरोस हम भी क्यों ना अपने कल्चर की कोई मिठाई या स्वीट्स ख़रीदें और ले जाके ये जो आसपास के घर हैं, खासकर इन लोगों को तो ज़रूर दें जिन्होंने हमसे या के गपशप लगाई हो, कुकीज़ दी हैं. तो फिर मैं और बहरोज़ हमने सोचा कि चलो लेट्स गो गेट बकलावा, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ईज़िली मिल भी जाता है यहाँ पे अरब स्टोर्स में और वो है कि जिसका लोगों को पता भी है और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं दूसरे कल्चर्स के भी. तो फिर वो हमने बकलावा जाके ख़रीदा और हमने वो बॉक्सेस जो हैं वो अच्छे से बॉक्सेस जो हैं वो रैप हुए हुए थे उनको हमने गिफ्ट बैग में डाल के और देन वी वेंट एंड हमने एग्जैक्टली वही किया कि हमने डिफरेंट जो हमारे आसपास के घर हैं उनमें बेल बजा के उनके साथ यू नो थोड़ी सी इंटरेक्शन की, उनसे हाल अहवाल पूछा, उन्हें बताया कि हम नए हैं अभी कैनेडा से आए हैं. तो इससे एक फेमिलियरिटी एक तो बन गई, दूसरा ये कि लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये जेस्चर और उससे दूसरे लोगों को ये आइडिया होता है, खासकर जो दूसरे कल्चर के लोग हैं, कि आपका कल्चर यानी देसी कल्चर एक बहुत वार्म कल्चर है और इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं. बिकॉज देखा ये गया है कि जो आउटसाइडर्स हैं यानी कि जो देसी नहीं हैं, जो ब्राउन नहीं हैं, उस पॉपुलेशन को ये लगता है कि जैसे हम लोग बहुत रिजर्वड हैं या हम लोग बात नहीं करना चाहते या मिंगल नहीं करना चाहते या अपने में रहते हैं, तो हमसे ज़्यादा वर्स बाय द वे एशियंस हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं करते और उनका तो लैंग्वेज बैरियर भी है. हमारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आते हैं, यानी इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन और हमें अंडरस्टैंडिंग है. तो उस वजह से ये भाषा जो कह दें आप या ज़बान कह दें या जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमें ये बेनिफिट है कि हम आराम से अपने आप को एसिमिलेट कर सकते हैं कैनेडियन कल्चर में. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट. एक लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं और बतूल मोटिवेटेड रहें ताकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें. जब आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, तब हमको होता है ये वीडियो इनको पसंद आ रही है, ये टॉपिक अच्छा है, इस टॉपिक पे हम और बात कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं और वी सिट एंड वी मेक इवन मोर कॉन्टेंट. दूसरा, सब्सक्राइब अलॉन्ग विद द बेल आइकन. बेल आइकन बहुत लाजमी है ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पर कोई नया कॉन्टेंट डालें. इस चैनल पर हम कॉन्टेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका. हम सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. हम पाकिस्तान से हैं, मिडल ईस्ट मूव किए, मिडल ईस्ट के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएस. ये सारा एक्सपीरियंस हम आपसे इस चैनल पे शेयर करते हैं. अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊँ, मैं दो चीज़ें पर बात करना चाह रहा हूँ. एक, जो बतूल ने सिर्फ यूएस की बात की, बहुत से लोगों को यूएस के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि उनकी बहुत सी फैमिली या यूएस में रहती है या थैंक्स टू हॉलीवुड यूएस का हमको ज़्यादा पता होता है रिलेटिवली टू कनाडा. और हम अज्यूम ये करते हैं कि यूएस और कनाडा एक जैसे होंगे, गोरे रहते हैं और सब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो एक जैसे लोग हैं. एक जैसे नहीं है, बल्कि बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और बहुत से डिफरेंसेस भी हैं. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कनाडा का जो है वो कल्चर क्या है. दूसरा, इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आपको कुछ टिप मिल जाएगी, कोई ट्रिक मिल जाएगी कि अब मैं जो हूँ ऐसे करूँगा ऐसे नहीं करूँगा, बल्कि ज़्यादा मकसद ये कि आपको अवेयरनेस हो जाए, आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह अगर कोई मुझसे बात कर रहा है इसका ये मतलब है. क्योंकि हमने जब ये लर्न किया है तब हमको भी शुरू में तो समझ नहीं थी कि हुआ क्या, और मैं जब स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वी डोंट नो कि हमारे साथ हुआ क्या. बट देन जब हमको कॉन्टेक्स्ट मिला, जब हमको बैकग्राउंड मिला तो हमको समझ आई. और यही मकसद है हमारे इस चैनल से कि हम आपसे ये चीज़ें पहले से शेयर कर लें ताकि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस से आपका जो है लर्निंग कर्व बेहतर हो जाए. तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बतूल ने जिक्र की कि यहाँ लोग बहुत नाइस हैं, उस नाइसनेस के चक्कर में जो वर्कप्लेस पे फीडबैक लोगों से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको कोई बुरा फीडबैक जो है वो देगा नहीं, अगर देगा तो इतनी मुश्किल से देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार मैंने ठीक क्या करना है.
इसमें मतलब मेरा काम में जो मसला है उसको कैसे बेहतर करूँ। इसकी जो एग्जाम्पल मेरे पास है, जब हम यहाँ मूव किए थे और पहले 3 महीने में इट टुक मी लाइक 2-3 मंथ्स टू फाइंड अ जॉब, और मैं जब भी इंटरव्यू देकर आता था मैं बतूल को कहता था जॉब लग गई है और एंड लेट्स बाय आवर सेकंड कार। हमने एक गाड़ी ले ली थी और बस वो दूसरी गाड़ी का हमको इंतजार था कि जैसी दोनों की जॉब्स लग जाएंगी हम दोनों के पास गाड़ियाँ होंगी ताकि हम ड्राइव कर सकें। और पहली गाड़ी हमने काफ़ी सस्ती ली थी बाय द वे, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैंने उस पर बात की है इस चैनल पर मल्टीपल वीडियोज़ में कि किस तरह से आप जो है वो अपना पैसा कंजर्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ चेक इट आउट। बट जब भी मैं इंटरव्यू देकर आता था मैं बतूल को कहता था जॉब लग गई है बिकॉज दे वर सो नाइस सो पोलाइट, इतना अच्छा इंटरेक्शन, आखिर में फीडबैक भी जब उन्होंने दिया बहुत आला फीडबैक, लाइक दे वर सो नाइस। और फिर मुझे एक ईमेल आ जाती थी सेइंग के थैंक यू बट वी फाउंड समवन एल्स हु वाज बेटर और समथिंग लाइक दैट। मैं कहता था मुझे समझ नहीं आई, मतलब यू अंडरस्टैंड जब आपको इंटरव्यू देते हैं आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मैंने अच्छा दिया बुरा दिया, आपको एक फीडबैक मिल जाता है बॉडी लैंग्वेज से, कोई कम्युनिकेशन से, कुछ उनके कहने से। बट everything was so polite, so nice, like they wanted to hug me at the end of every interview. तो मुझे लगता था बस जॉब हो गई है। सो दैट इज़ अनदर थिंग, बिकॉज ये जब आप वर्क प्लेस में जब जाएंगे eventually जब मेरी जॉब होगी तभी मैंने रियलाइज़ किया कि अपने मैनेजर से फीडबैक लेना, अपना काम इम्प्रूव करना जो है वो एक चैलेंज है। सो इसके कुछ तरीके ये कि एक तो आप उनसे बहुत डायरेक्ट हो जाए, उनको बोलें आई डोंट माइंड अगर आप मुझे कोई बुरा फीडबैक भी देंगे, मैं इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ। या फिर आप फिगर आउट कर लें कि वो क्या कोड लैंग्वेज है उनकी या क्या चीज़ें उनको बुरी लग रही हैं, और जब वो बुरी लगती हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक बार जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा देन यू कैन फॉलो दैट पैटर्न। एब्सोल्युटली, और इसी चीज़ से कनेक्टेड एक और चीज़ है कि हम लोगों को बाज़ औक़ात कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया और कुछ हमारे आप कह सकते हैं इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, अगेन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के साथ ये होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें एक इनसिक्योरिटी है बिकॉज हम एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थे एक ज़माने में। इंडिया वाज वन कंट्री जिसको ब्रिटिश ने रूल किया और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हमें ये फील होता है कि हमें कोई बहुत हकारत की नज़र से देख रहा है, या हमें इनहेरेंटली हमें ये फीलिंग रहती है, एक इंटरनली कॉम्प्लेक्स हमारा होता है हम सबका, चाहे हम कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लें या कितना भी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लें, हमें ये हमेशा एक रहेगा। तो उस केस में मैं समझती हूँ कि एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक वर्कप्लेस की सेटिंग में हैं और वहाँ पे, या फॉर एग्जांपल आप स्कूल में अपने बच्चों के टीचर्स से या प्रिंसिपल से किसी के साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ योर होम, वहाँ अगर आपको किसी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड से कि ये मेरी मादरी जबान नहीं है, दिस इज़ नॉट माई लैंग्वेज, इफ़ यू कुड प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी स्लो स्टडी, और आप मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। और बाज़ूकात मजाक करने में भी आप मजाक मजाक में बात कह सकते हैं कि देखें मुझे तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज एंड आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग। तो आप खुद सोचें कि हम हमारी हर किसी की, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, हम लोगों की लैंग्वेज जो है वो मदर टंग तो इंग्लिश नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब हम इंग्लिश को सुनते हैं तो प्रोसेस करते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह हम जब सुन रहे होते हैं तो, या हम बोलने से पहले हम क्या करते हैं कि हम उसको दिमाग में पहले ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप जो सामने बंदा है आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि दिस इज़ नॉट योर मदर टंग एंड इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड समथिंग इट्स ओके, वो आपको दोबारा समझा देंगे। और पीपल आर एक्चुअली क्वाइट अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू आर ओपन एंड अप फ्रंट, पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू। तो उसमें ये होता है कि आप फिर वो बैरियर ख़त्म हो जाता है और वर्क प्लेस में खासकर पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर हु यू आर एंड इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप यू स्टे योरसेल्फ। अच्छा, जैसे बतूल रिस्पेक्ट की बात कर रही है, ये बोथ वेज चलता, लोग आपके कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे बल्कि उसको सेलिब्रेट करेंगे। और इसकी एग्जांपल ये कि जब आपके बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, देर वर टाइम्स हमारे बच्चे जो हैं वो पैम्फलेट्स लेकर आ रहे होते थे बताने कि आज ईद का दिन है या ईद का वीक है और दिवाली का वीक है, और स्कूल में जो है वो बात हो रही है उसके बारे में कि समझाया जा रहा है कि दिवाली क्या होती है, ईद क्या होती है। सो जो आपका कल्चर जो आप लेकर आएँ उसकी अवेयरनेस सिर्फ आपके बच्चे को नहीं होगी बल्कि स्कूल में बात होगी और जो नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम हैं उन सबको भी उसकी अवेयरनेस होगी, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि वो रिस्पेक्ट करें। बट एट द सेम टाइम आपको भी उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि वो अपने रिलीजन के बारे में बताएंगे भी बताएंगे डिफरेंट जो और उनके रिलीजन हैं जो क्लास में बाकी रिलीजन हैं उनके बारे में भी बात होगी. और चूंकि लिबरल सोसाइटी है तो फॉर इंस्टेंस LGBTQ पे भी बात होती है. एब्सोल्युटली. तो बेशक अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं आप उसको फेवर नहीं करते या उस पर बात नहीं करना चाहते, ऑल आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑफ इज कि जिस तरह से आपकी कल्चर की आपकी वे ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट हो रही है, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपको बाकियों की को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ एक्सट्रीम्स भी हैं इसमें विच वी शुड अवॉइड एज अ सोसाइटी ऑल टुगेदर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू नीड टू बी अवेयर कि आपको जहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है आपने भी इक्वली दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है. आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग होंगे जिनसे आप कल्चरली रिलीजियसली टोटली डिसएग्री करते हैं, पर आपको उनके साथ काम भी करना है, उनको रिस्पेक्ट भी देनी है और वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ सबके जो ओपिनियंस हैं व्यूज़ हैं वो उनके अपने हैं, वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक लिबरल सेक्युलर सोसाइटी. एब्सोल्युटली. फिर एक और चीज़ है कि कल्चरल असिमिलेशन में ना सिर्फ कनाडा, कहीं भी दुनिया में आप जहाँ मूव करते हैं उस कंट्री के नॉर्म्स को, उसके त्यौहारों को, फेस्टिवल्स को समझना, उनमें पार्टिसिपेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट योरसेल्फ इन दैट कम्युनिटी. अब आप आ गए कनाडा तो ऑब्वियसली इवन तो आपकी आइडेंटिटी जो है एज इंडियन, एज पाकिस्तानी, एज बंगाली, आपकी वो आइडेंटिटी तो रहेगी, लेकिन आप पहले अब कैनेडियन हैं क्योंकि अब आप इस सोसाइटी में आ गए. तो यहाँ जितने भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि देखें नेटिव्स जो हैं वो तो जो अबॉरिजिनल हैं वो तो एक बिल्कुल अलग है ना, बाकी तो सब इमिग्रेंट्स हैं. अब कुछ ओल्डर इमिग्रेंट्स हैं जो बहुत साल पहले आए थे, वाइट भी पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कनाडा में कोई अपनी वाइट पॉपुलेशन तो कभी थी नहीं ना, ये तो सब इमिग्रेंट्स थे. तो जो भी इमिग्रेंट्स रह चुके हैं जो कि अब अपने आप को कैनेडियन कहते हैं, तो आपको भी एग्जैक्टली यही करना पड़ेगा कि यू आर कैनेडियन फर्स्ट एंड देन यू आर इंडियन एंड देन यू आर पाकिस्तानी एंड देन यू आर एनी अदर नेशनैलिटी. तो दैट्स वन. दूसरी चीज़ ये कि आजकल तो सोशल मीडिया की एडवांसमेंट की वजह से इट्स बिकम सो ईजी कि आप फेसबुक ग्रुप्स पे, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि कनाडा में कौन सा अब फेस्टिवल आ रहा है. फॉर एग्जांपल रिमेम्बरेंस डे है, इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है. पीपल वेयर अ पॉपी ऑन देयर, आप कह सकते हैं ऑन इट्स लाइक अ बैज ऑन द शर्ट्स, ब्लेजर्स पे, शर्ट्स पे वो पॉपी लगाते हैं, पॉपी एज अ फ्लावर विच इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट टू जो इनके वेटरन्स हैं, जो इनकी जैसे हम जिन्हें आर्मी, नेवी और जो इनकी फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज, उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस दिए हैं इन द डिफरेंट वॉर्स, वो उनको सेलिब्रेट करते हैं. हमारे बैक होम भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगेन उसका बड़ा एक डिफरेंट मेथड है. आपको ऑब्वियसली समटाइम्स सम प्लेसेस दे हैव द डे ऑफ, उसमें ये होता है कि पीपल एक्चुअली लाइक टू वेयर दैट एंड दे टॉक अबाउट इट. एंड उसमें ये कि रिस्पेक्ट आपको यू हैव टू शो, इवन दो आपकी एसोसिएशन उस आर्म फोर्सेज से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी. फिर आपको इसी तरह जैसे थैंक्स गिविंग है इनकी, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी है. और थैंक्स गिविंग में फिर ये कि आप अपने आसपास के जो अपने देसी लोग हैं, यू गाइस कैन गेट टुगेदर एंड यू नो सेलिब्रेट थैंक्स गिविंग. इट डजेंट हैव टू बी विद द वाइट पॉपुलेशन, बट एज यू नो देसीज ऑल्सो वी कैन गेट टुगेदर एंड डू थैंक्स गिविंग. हैलोवीन हो गई, थैंक्स गिविंग हो गई, रिमेम्बरेंस डे हो गया, क्रिसमस हो गई, योम किपुर या हनुका है. तो ये सारे जो हैं इवेंट्स जी, ये यहाँ पे आप देखेंगे. और उसमें फिर ये कि आपको जो है वो अपने आप को लाइक यू जस्ट हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट एट वर्क एंड अदरवाइज. ब्यूटिफुली सेड. और बतूल मुझे याद है मैं इस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक इट वॉज रिटन बाय सम कैनेडियन, लाइक गोरा कैनेडियन, और उसने थोड़े से बड़े टर्म्स में कहा था कि जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं वो रिमेम्बरेंस डे को रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो पॉपी का फ्लावर लगाते हुए नज़र नहीं आएंगे. अगेन इट्स नॉट अ मस्ट, बट अच्छा है अगर उनकी कोई कल्चर वैल्यूज़ हैं, कोई ट्रेडिशन है, जस्ट फॉलो देम. लाइक आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर आपके मुल्क में कोई आए और दिवाली का जो है इवेंट हो रहा हो या ईद का इवेंट हो रहा हो, तो वो भी आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं आतिशबाजी करें या उसको सेलिब्रेट करें. Even if they're not believing in it, but they're just part of the happiness. The community. That is important. So don't find yourself in a place जहाँ आप कह रहे हैं कि यार ये तो बुरा है, ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं तो उसमें मानता नहीं हूँ. Just at least have a smile on your face, at least be friendly about it. और जहाँ उसकी बात हो रही हो थोड़ा सा appreciate ज़रूर करें. तो ये बहुत लाजमी है. एक बात मैं और बताता चलूँ जिस तरह बतूल कह रही थी, एक जो difference है between Canada and especially US is, US में there is a pressure on being an American.
American and that's it. But in Canada, you can be Canadian and a Pakistani and a Muslim, Canadian, Indian, Hindu, Canadian, Indian, Muslim, and so on and so forth. You can have multiple identities at the same time. So log is tarah introduce bhi kar rahe hain apne aap ko. Sirf ye nahi kehte ki bas main Canadian hoon. I am a Pakistani Canadian. I am a Muslim Canadian and so on and so forth. So ye ek aur achhi cheez hai Canada mein jo ki US mein nahi pai jati because US mein pressure hai to be an American and that's kind of it. Yeah. दूसरी चीज़ ये कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है बोलने में तो बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं. और हम तो फिर ऐसे कंट्रीज से आते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम क्योंकि कॉलोनाइज थे तो हम ब्रिटिश सिस्टम की वजह से इंग्लिश से हमारी अवेयरनेस है. लेकिन आप सोचें जो स्पेनिश बोलते हैं, जो मैक्सिकन से हैं या जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, उनका तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको ग्रास्प करना. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनको के इंग्लिश दे कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली. तो माई सजेशन वुड बी कि इफ़ यू वॉन्ट टू अपस्किल योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स. और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं ना सिर्फ इंग्लिश में, अगर आपने अपने आप को जनरली वैसे ही अपस्किल करना है तो आप अपनी किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अपनी पसंद का विद अ यूनिवर्सिटी, विद अ कॉलेज. और उसमें यह होता है कि यू विल इंटरेक्ट विद वेरी डिफरेंट यू नो माइंड सेट के लोगों के साथ और डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि कैनेडा अगेन इज़ अ मेल्टिंग पॉट जिसमें बहुत से डिफरेंट इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू इंटरेक्ट. फिर एक और चीज़ है कि जो कि मैं जैसे बताना चाह रही थी पहले कि अब फॉर एग्जांपल कैनेडियन नेशनल एंथम है, हमें ये पता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सीख लेंगे. लेकिन बहुत से लोग ये एफर्ट नहीं करते, उनको वर्ड्स नहीं आते नेशनल एंथम के. तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वी नीड टू लर्न, बिकॉज हम जब यहाँ आए हैं वी वॉन्ट द कैनेडियन नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, पासपोर्ट. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. और बाय द वे आप सिटीजनशिप तक का वेट ना करें अपने आप को इमर्स करने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है लोग जब सिटीजनशिप टेस्ट के करीब आ रहे होते हैं और जब वो टेस्ट है वो फुल एक समझा हिस्ट्री ऑफ कैनेडा कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में. आई थिंक इट्स वेरी एक्सेसिबल ऑनलाइन, यू कैन कीप रीडिंग इट ताकि वो आपकी नॉलेज बेस बढ़ती रहे इंस्टेड ऑफ वेटिंग एट द लास्ट मिनट टू यू नो गिव द सिटीजनशिप टेस्ट. तो दिस इज़ वन थिंग. Cool. I am done. Do you have more stuff as well to share? दूसरी एक चीज़ जो मैंने और बहरोज़ ने की, और हम अपने आप को काफ़ी लकी समझते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली. मैंने और बहरोज़ ने खासकर ऑनटेरियो में तो हमने एंड टू एंड मतलब ईस्ट टू वेस्ट हमने पूरा ऑनटेरियो ऑलमोस्ट देख लिया था. और हम नॉर्थ में भी गए, सडबरी तक गए. फिर हमने जो है वो मैरीटाइम्स देखा, यानी कि मैरीटाइम्स आप उन प्रोविंसेस को कहते हैं जो कि अटलांटिक को फेस करते हैं, कैनेडियन प्रोविंसेस लाइक न्यूफिनलैंड, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो ये न्यू ब्रंसविक. तो ये हम प्रोविंसेस इनको भी हमने विजिट किया. हम मॉन्ट्रियल भी गए, वैंकूवर हम नहीं जा सके थे बट अल्बर्टा गए हम. तो हमने जितना एक्सप्लोर हम कर सकते थे कैनेडा को हमने किया. और उसका रीज़न ये था कि वी रियली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर एंड सी. बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सालों से रह रहे हैं, एंड जस्ट नॉट देसीज़ बाय द वे, सम अदर इमिग्रेंट्स इज़ वेल. मेरे साथ एक काम पे खातून होती थी, शी वॉज़ फ्रॉम गायाना, और शी एक्चुअली वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने आते के साथ ही जो है वो इतना ऑन्टेरियो को एक्सप्लोर कर लिया. और उसने मुझे कहा मैं तो अपने शहर से मिल्टन से 30 साल हो गए हैं और मैंने सिर्फ इसके आसपास का ही एरिया सिर्फ एक्सप्लोर किया है, मैं तो कभी GTA से बाहर निकली नहीं हूँ. तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी ये बात. और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बाहर निकलते हैं आप देखते हैं तो आप फुली एक तो अपने आप को एसिमिलेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप यू पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर इज़ वेल कि आप लोगों को भी अपने कल्चर के बारे में बताएं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली टीच, एंड पीपल आर वेरी वेरी विलिंग टू लर्न अबाउट आवर कल्चर इज़ वेल. देसी जो हमारा कल्चर है, हमारी जो त्यौहार है, हमारी जिस तरह शादियाँ होती हैं, ये सब जो है ये हमें बताना चाहिए लोगों को. तो इट्स अ टू वे रोड. लेकिन ये है कि जैसे बहरोज ने कहा कि रिस्पेक्ट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं फुली, इसी तरह आपको भी उनको फुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो वाइट कैनेडियंस हैं, चाहे वो कोई और नेशनैलिटी है. आफ्टर ऑल वी आर ऑल अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ कैनेडा, तो वी हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ एवरीवन. Good. Thank you. You have more or that's it? I think that's about it. Cool. Thank you guys. Thanks for watching this video. Please, jaise pehle kaha ki like aur subscribe zarur karein. Aur other than that, I also want to call out ki agar aapke paas koi comments hain, koi suggestions hain, koi thoughts hain, difference of opinion hain, please share karein. We love it. Other than that, just before closing the video, in case you found this video valuable, aapko ek aur video bahut achhi lagegi hamare channel pe jisme humne baat ki hai ki yahan ke
विंटर्स को किस तरह इंजॉय किया जा सकता है. सो यू कैन चेक इट आउट हियर. अदर देन दैट देयर इज अनदर वीडियो जहां बतूल ने बात की है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर वुमेन क्या है इन कैनेडा. यू कैन चेक इट आउट हियर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.